कांग्रेस पार्टी व्यक्तियों नहीं विचारधारा और सिद्धांतों का प्रतिबिंब है। सोनिया जी, राहुल जी और कांग्रेस के करोड़ों कार्यकर्ता मात्र सत्ता प्राप्ति की लड़ाई नहीं लड़ रहे, उसके साथ साथ सामाजिक न्याय और देश में समानता और बराबरी और बदलाव की लड़ाई भी लड़ रहे हैं। श्री शंकर सिंह वघेला का हम सब एक बुजुर्ग और एक वरिष्ठ नेता के तौर पर सम्मान करते हैं। कांग्रेस ने हमेशा उन्हें उचित सम्मान दिया, उन्हें प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बनाया, उन्हें भारत सरकार में कैबिनेट मंत्री बनाया, उसके बाद ITDC का चेयरमैन बनाकर कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया और आज भी वो कांग्रेस विधायक दल और विपक्ष के नेता गुजरात की विधानसभा में हैं। उनके खिलाफ ना कोई अनुशासनिक कार्रवाई की गई, ना उन्हें कांग्रेस पार्टी से निकाला गया। ये दोनों बातें सरासर गलत हैं। सभी पदों से इस्तीफा देने का निर्णय उनका अपना है। आदरणीय वघेला साहब ये चाहते थे कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मौजूदा अध्यक्ष को हटाकर उन्हें अध्यक्ष बनाया जाए। कोई भी पार्टी किसी एक व्यक्ति की इस प्रकार की इच्छा को स्वीकार नहीं कर सकती, क्योंकि ये सामूहिक निर्णय है और पार्टी के हित में लिया जाने वाला निर्णय है। हमको उनके जाने से दुख जरूर है, उनके पदमुक्त होने से दुख जरूर है, परंतु पार्टी व्यक्तियों से बड़ी है और व्यक्ति पार्टी का एक हिस्सा है। ये वघेला साहब को भी और उनके सब साथियों को अवश्य समझना होगा।